विपक्ष संसद में मणिपुर पर बहस चाहता है या केवल हंगामा करना उसका मकसद है? आखिर विपक्ष चाहता क्या है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो गया क्योंकि संसद में अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो चुका है। अब स्पीकर इस पर चर्चा की तारीख तय करेंगे, लेकिन संसद में हंगामा थमने का नाम ही नहीं ले रहा। विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसद आज फिर मणिपुर के मामले को लेकर हंगामे की तैयारी कर रहे हैं। विपक्षी सांसद आज संसद में काले कपड़े पहनकर आएंगे, इसमें इंडिया गठबंधन के सभी सांसद शामिल होंगे। आज भी संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में विपक्षी गठबंधन के नेता फ्लोर की बैठक में शामिल होंगे, जिसमें आगे की रणनीति तय की जाएगी। 20 जुलाई को संसद का सत्र शुरू होने से अब तक कुछ खास काम नहीं हुआ है। सरकार ने हंगामे के बीच कुछ जरूरी बिल पास कराए हैं, लेकिन विपक्ष लगातार नारेबाजी कर रहा है। मणिपुर पर आप चर्चा नहीं करना चाहते, सदन की मर्यादा बना के रखो। सदन में बात विवाद भी आज चर्चा के लिए है। अच्छा हो आप अपने अपने शासन पर बैठे हैं, हर विषय हर मुद्दे पर चर्चा कराई जाएगी। ये सदन चर्चाओं के लिए है, आप चर्चा नहीं करना चाहते, प्रश्नकाल नहीं करना चाहते, सदन की गजाते। और लोकसभा स्पीकर विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस मंजूर कर चुके हैं। लोकसभा स्पीकर ने कहा है कि वो चर्चा के बाद उचित समय पर इस पर बहस कराएंगे, लेकिन विपक्ष को इसमें सियासत नजर आ रही है। विपक्ष आज ही अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग पर अड़ गया है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने तो इसे सरकार की बेईमानी करार दिया। वहीं अधीर रंजन चौधरी ने कहा है कि इस पर कल ही बहस शुरू हो जानी चाहिए, स्पीकर को अविश्वास प्रस्ताव पर जल्द से जल्द बहस करानी चाहिए। और हमारे साथ जुड़ गई है विजयलक्ष्मी। विजयलक्ष्मी, जब सरकार की ओर से ये मान लिया गया, ये कह रहे हैं कि संसद में ये बात तय हो चुकी है कि अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी, तो फिर आखिरकार अभी भी कहां पर गतिरोध बना हुआ है विपक्ष के बीच में? देखिए, संसद में विपक्ष चाहता है कि जल्द से जल्द चर्चा कराई जाए, क्योंकि पास्ट प्रेसिडेंट्स में भी ऐसा ही है कि जैसे ही आपके पास अविश्वास प्रस्ताव आता है तो गवर्नमेंट प्रायोरिटी पे उसका डिस्कशन कराती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव एक लंबी प्रक्रिया है, स्पीकर को तमाम चीजें देखनी होती हैं, प्रधानमंत्री के रीशेड्यूल्ड कुछ इवेंट्स थे जिन्हें उन्हें जाना था, उनकी मौजूदगी दिल्ली में नहीं है, ऐसे में तमाम चीजें देखकर ही स्पीकर जो है उसको लिस्ट करते हैं। लेकिन विपक्ष यहाँ पर अटका है कि ज्यादा समय ना लगाया जाए और जल्द से जल्द इस पर चर्चा हो, तो लिहाजा रसाकशी और गहमा गहमी जो है संसद के भीतर आज भी देखने को मिलेगी, क्योंकि विपक्षी दल चाहते हैं कि आज ही चर्चा हो। कल जब मनीष तिवारी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि विपक्ष उम्मीद कर रहा है कि बृहस्पतिवार से ही इस पर चर्चा हो जाएगी, यानी आज ही इस पर चर्चा हो जाएगी। लेकिन सरकार की तरफ से कहना है कि तमाम चीजें देखनी होती है, प्रधानमंत्री का स्केड्यूल, क्योंकि काफी सारे प्री स्केड्यूल इवेंट उनके होते हैं और उसके बाद ही नो कॉन्फिडेंस मोशन को लिस्ट किया जा सकता है। तो आज भी देखना होगा कि संसद के भीतर भी क्या ये तमाम पार्टियां प्रधानमंत्री मोदी के जो कार्यक्रम है पहले से तय होते हैं, ऐसे में जो विपक्ष तो यही चाहता है कि प्रधानमंत्री सदन में आए, तो ऐसे में जब तक प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अगर दूसरे जगह पे एंगेज है तो कैसे आएंगे, जैसा कि आप बता रहे थे, इसी वजह से हो सकता है कि इसमें वक्त लग रहा है। बहरहाल, लेकिन विपक्ष जो है अपनी बात पर क्यों अड़ा हुआ है और इसको लेकर विपक्ष क्या कह रहा है, अधीर रंजन चौधरी ने क्या बयान दिया, आपको सुनाते हैं। या हम लोग तो विरोध करते हैं, जब तक सदन में नो कॉन्फिडेंस मोशन की चर्चा शुरू हो तो हम बात रखने का मौका नहीं मिलते। हमारा मांग ही था कि ऐसा एक चर्चा हो कि प्रधानमंत्री खुद आए, या तो शुरू करने के समय हम लोग कहे थे कि प्रधानमंत्री आके बयान दे कोई भी समय, और उसके बाद हम तुरंत इस चर्चा शुरू कर दे। लेकिन प्रधानमंत्री पता नहीं कि क्यों इतने आरे हुए हैं, इसलिए मजबूरन हमें ये नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब अनास्था प्रस्ताव हमें लाना पड़ा, अविश्वास प्रस्ताव हमें लाना पड़ा। ये मजबूरी हमारे, हम जानते हैं कि ये अविश्वास प्रस्ताव के चलते मोदी सरकार नहीं गिरेगी, लेकिन बात यह कि और तो कोई हमारे चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है हमारे, इसलिए ये मजबूरन हमें ये रास्ता अपनाने पड़े, क्योंकि देश के सामने देश की प्रधानमंत्री आके मणिपुर की और साथ साथ देश के आम लोगों को कोई शांति की वार्ता दे। सर, आप लोग कह रहे हैं कि चर्चा आज ही होनी चाहिए, इसीलिए आप लोग आज काले कपड़े पहने? नहीं, ये स्पीकर की जिम्मेवारी है, मैं तो ये नहीं कह सकते कि आज ही, कल ही होना चाहिए था, अच्छा होते, अगर आज होगी तब भी अच्छा होगी, जितने जल्दी हो सके, क्योंकि हमें और समय बर्बाद नहीं करना चाहते सदन की।
अच्छी बात तो है कि अजय नंदन चौधरी ने आखिरकार साफ साफ बता दिया कि आखिरकार अविश्वास प्रस्ताव का मकसद क्या है, और साथ ही उन्होंने कहा कि ये तो जिम्मेदारी अब स्पीकर की है कि वो कब कराए, लेकिन वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हो। बहरहाल आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि हमें हार जीत से मतलब नहीं है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर तुरंत चर्चा होनी चाहिए। उनकी चुप्पी को तोड़ने के लिए यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हार गए हम लोकसभा राज्यसभा में, हार गए, सचमुच कहता हूं हार गए। प्रधानमंत्री जी हाजिर नहीं हो रहे, बोल नहीं रहे, तो उस संदर्भ में यह अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है ताकि इस उपकरण इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से वो अपनी बात रखे। और चूंकि मणिपुर की हिंसा आज फिर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जो रोंगटे खड़े कर देती है, तो प्रधानमंत्री जी और मैं समझता हूँ हमारे पीठासीन अधिकारी लोग इसको सबसे पहले प्रायोरिटी में लाएं ताकि प्रधानमंत्री जी बोले हमें जीत हार से मतलब नहीं है। चर्चा तो कल ही शुरू करा देना चाहिए था, जब स्वीकार हो गया तो किस बात के लिए रोक रखा है आपने? हम जब कहते हैं कि सदन की नियमों को सबको शिथिल करते हुए 267 में राज्यसभा में कहते हैं तब भी आप भागते हैं, उसमें चर्चा कराना चाहते हैं नियम में जो 176 जो कब आएगा कितनी देर के लिए आएगा। अरे जब आपकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव हो गया तो साहस है, पाप की गगरी आपकी भर चुकी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।